कुआं और इस कुएं के नशे में धुत के लोग कौन है, किसका भाई है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है, किसका बाप है, देश है तो नहीं है, लेकिन इनकी ये हालत गैरों ने बनाई है। इनको गैरों के वार से बचाइए, ये सिगरेट नहीं सजा है। हीरोइन, चरस, गांजा, शराब, इनको आम जबान में ड्रग माफिया कहा जाता है। ये वो जहर है जो इंसान से उसकी इंसानियत, इज्जत, हत्ता के जिंदगी छीन लेता है। कौम को बीमार और बेगैरत करने वाले ड्रग माफिया के मालिक के मुजरिम हमारे दरमियान रहते हैं। लखा इन्हीं मुजरिमों की शनाख्त परेड का नाम है। ऐसे तरह इर्यादी खौरे किस किस मां के बाप की गोदी तड़फ रहे ने, इंसाना दे लहू दी कमाई खाण वाले हो, क्या हाल तुहाडे अपने बच्चों दा होए, ते फिर इन्हां नूं सरेआम गोली मार दे डिप्टी आदम। मासूमा ते तरस नहीं खांदे, ओ किसे रहम दे मुस्तहिक नहीं, शूट देम। इस गन नु मेरे इलाके चो बाहर कर दियो, कोई मंशियात फिरोज जिंदा नहीं रह सकता। पर साडे अड्डे च तो कोई शाह ब्राह्मण नहीं साहब। शट अप, तुहाडे कोलों सब कुछ बरामद होवेगा। डिप्टी आजम, इन्हां नु थाने ले जाके उल्टा लटका दियो। मैं तुहानू उल्टा जमीन च कट देंगा। मेरे ते भी तरस खाओ ते अपने आप ते भी तरस खाओ जालमो। मैनू एदे लई हिरन दा एक टीका दे दियो, इस लई कि मेरा सखा पुत्र है। मैं तुहाडे नाल अल्फन वादा करना वा कि मैं तुहानू इस इंजेक्शन की कोई सजा नहीं देवांगा। क्या गल है डिप्टी साहब, तो फिर उहदे कोल जाओ जिन्हू उठ के कुर्सी दिंदे हो, ते जिहदा इस मुल्क दे विच सब तो वड्डा हिरन दा डिपू है। कौन हो जिहदे हुक्म नाल सानू उल्टा लटकाया है? सेठ शौकत। हाँ डिप्टी साहब, जिस मुनाफक दा मंशूर है के ओहदे इलाके च कोई मनशियात फरोश नहीं रह सकदा। कौम ते कानून नाले मजाक बड़ा महंगा पवेगा, बड़ा महंगा। की बकवास कर रही है तू? जानना है किदे सामने खलोता है तू? जिदे खिलाफ बोलने वाले सिर्फ चार, ते हक इच बोलने वाले चार लख ने। तू मेरे मुल्क इच दो चेहरे रखण वाला पहला शेरी नहीं शेर सौकत। मेरा तेन मशवरा है कि लोगों के बालों जेर देना छड़ दे। वेख, वेख, मेरा बच्चा मेरे तो किस तरह जुदा हो रहा है। रब दे वास्ते एदी जिंदगी बचाण लई जेर दा एक टीका दे दे, एक टीका। बच्चे की हालत दे तेरे होश उड़ा दी तेने डिप्टी, तेनू हस्पताल ले जा। मैं हीरोइन के टीके नहीं बेचता, नहीं बेचता, नहीं बेचता। हाँ।
ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। I say get out! ਬਾਬਰ ਬਾਬਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ मेरे बच्चे दी नहीं तेरे शरीर दी लाश है। इनू मैं कब्रिस्तान च नहीं तेरी कोठी दे सेने छटके जावांगा। हो सकता है एदी कबर ते अपने बच्चे नू खेड़दा वेखे तेरे सुते जमीर नू होश आ जावे। मैं जा रहा है शौकत, ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਵਾਰੰਟ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ। सब किवें हो गया सर? एकदम एक गैंग आया ते पुलिस मुकाबला शुरू हो गया ते नतीजा तुहाडे सामने। शौकत स्पीकिंग। मेरा बेटा हीरोइन बनता है? नो, आई जस्ट कमिंग, आई जस्ट कमिंग। इनकार कर दिता है, कहना है 2 लाख से बदले एक टीका देंगा डैडी। रब दे वास्ते, रब दे वास्ते मेरे टीका लिया दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा डैडी, मैं मर जाऊंगा डैडी, मैं मर जाऊंगा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। वक्त इंसाफ एक शौकत, कदी मेरा बच्चा तेरे लानी हिरन मंगदा मर रहा सी, आज आज तेरा बच्चा हिरन मंगदा मंगदा मर जाएगा। नो! तेरा बच्चा इसलिए मर गया सी कि तेरे को हीरोइन नहीं हैगी सी, पर मेरा बच्चा नहीं मर सकता इसलिए कि हीरोइन मेरे कोल है, हीरोइन मेरे कोल है, हीरोइन मेरे कोल है। साहब ने ठीक ही क्या सी, जे तेरा अपना पुत्र तड़प रहा हुंदा ते तू ऐसे तरह उच्ची आवाज च कहना सी टीके मेरे कोल ने, टीके मेरे कोल ने, मेरे कोल ने। हरामजादे, चंगा होंदा तेरी मां नु करो कटन दे नाल नाल तेनू भी आग कर देंदा। मैनू फखर है कि मेरी मां तेरे जे मुनाफक ते मुल्क दुश्मन नु छड़ के टर गई है। हेलो डिप्टी साहब नु, जेड़ा शख्स पैसे ले पूरी काम नू बर्बाद कर दे ओनू प्यू कहना मेरे लिए सब तो बड़ी गल है। सारे जामी ते ना कवि के तेनू तेरे पुत्र ने फड़वाया है, बल्कि बयान है दमी के फांसी दा फंदा तेरे गले च
पाकिस्तान दे पुत्र ने पाया है। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे। आज मैं यकीन हो गया है कि मेरे मुल्क के कौम नू कोई बच्चा न बीमार कर सकता है न बेगैरत कर सकता है। एक कौम जिंदा रहेगी। जिते इलेक्शन दे जलसे करांदा सी वेलकम, आओ आओ ते वेखो। रुश्व खान तो पहला आप भी वेख डिप्टी। की मतलब? तेरे सामने प्रेस रिपोर्टर नहीं, सेठ शौकत के बंदे खलोते ने। एस वेगनेच, तेरी बीवी ते बच्चा बंद ने। जबान खोलेगा या साढ़े नाल जान तो इनकार करेगा। तेरी बीवी ते तेरा बच्चा मार देंगे। चुप करके गड्डी च बह जा। इन्होंने बड़ी करन दिया शर्तां सेठ शौकत के डेरे ते तय होन गिया। वक्त भी कैसी अजीब चीज है डिप्टी। बुरी औरत वांगो कदी तेरे नाल ते कदी मेरे नाल। हुण कुछ देर पहले मेरी शाह रगते तेरा हाथ सी, और तेरी शाह रगते मेरा हाथ ते। जरा उधर देख, मैं एक इशारा करांगा कि तेरी बीवी ते बच्चे जमीन दोज हो जाएंगे। और जे इन्हां दी जिंदगी चाहना है ते अखबार छपवा दे के शौकत इस शहर का सब तू शरीफ शहरी है। मैं अपने बच्चे नु बचान ले तेरे जे शैतान नु कभी फरिश्ता नहीं कहूंगा। चला बुलडोजर, चला बुलडोजर। शायद तेन शक है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद तेन आस है कि फरिश्ते तेरी मदद ले पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हूं इब्तिदा मैं अपने तो ही करांगा। मौत ते जिंदगी बहुत कट फासला रह गया डिप्टी। कुछ लोग मर के भी जिंदा होंदे ने शौकत, एहो ही टीपू सुल्तान ने दसिया है, एहो ही राशिद मिनहास ने दसिया है। और अपने मुल्क ले एक वारी मौत ते की मैंने सौ वारी मौत कबूल है, कबूल है, कबूल है। चला गोली। Thank you.
ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨੀ ਕੋਲ ਪੜਨਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਸਤਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਜੀਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਯਾਰ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਨ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਲਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੂਆ ਖੋਲ ਉਸਤਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਸਾਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਜਾਓ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਉਸ ਸਪੋਲੀਏ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾ ਢਾ ਸਕੇ ਦੱਸ ਡਿਪਟੀ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਚਣਾ ਲਏ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸੇਠ ਚੌਕਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੇਰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਜੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਭਰਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ
इन्हों अपनी कुल कायनात समझ के एदा मां ते प्यू बन जाई पुत्र प्यू बन अपराध रब कुल आलम नु दवे मुतालबा 2000 दा करना वा पेज दा 4000 है क्या बात है लेकिन इस बार ते 4000 दा मनी ऑर्डर आया है टीवी लैन दा प्रोग्राम ही ताडे कोलो की पर्दा यार ए पैसे मैं पिंकी लई मंगवाए ने ओ होश कर मुन्ने ओंदी मुस्कुराहट ना देख ओंदी मंजिल देख तेरे अपराध दी कमाई तोंदा मेकअप पूरा नहीं कर सकदी जानना वा पर तुसी लोग नहीं जानते औरत पैसे वेख के नहीं प्यार वेख के मरदी है पर एवी ते वेख ओनु चाहण वाले सेठ शौकत दा पुत्र आमिर भी है ओदे नाल कल बॉक्सिंग दा मुकाबला है मैदान च एहो जई ओदी शक्ल बिगाड़ेगा कि मां नु ते वखाण जोगा नहीं रवेगा मशूक नु की मुंह वखाएगा आओ मेरे नाल फॉलो मी चूआ पिंकी दे घर दे चक्कर लांदा है डड्डूआ पिंकी तेरी पैन लगदी है क्यों भाई ऐसा कुछ क्यों हो रहा है कुछ नहीं सर 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 कुछ नहीं सर असल इच गल है वे कि कल इन्हां दा बॉक्सिंग दा मुकाबला है ते दोवें एक दूसरे नू डंड विखा के डराण दी कोशिश कर रहे ने अज तो बाद इस पूरे शहर नू मैदान समझ के मेरा इंतजार करदा रही आज कह सकना है
कल दे मुकाबले तो बाद कुछ नहीं कह सकेगा। ऐसा मतलब है कि मैं कल तक तोड़े दोनों का पीछा करना पड़ेगा। वाह नडियो, और तुसा केदर फिट फिटियां दे चकर मकर मारने वाए, एक कोठी है, कोई कोठी खाना नहीं। ओ खान जी गल है वे कि ऐसा मिस पिंकी नो एक फंक्शन ले बुक करना आया। ओ पुत्रों अंदर आराम पे करनी है, तो उस माड़े नु आखे अंदर कोई नहीं झुल सकना। अच्छा ओ असल च ए जड़ा है ना, ए मैं तुहाडे वास्ते ले आया वां। ओ माड़िया पुत्रा, ओ पुत्र तू चंद लमात वास्ते अंदर झुल सकना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओए मुंडियो तुसा सारे बाहर खलोवो, मैं हुनी अच्छने अच्छा। ओके सबके जावा पुत्र, जैसी तरह कम चलना रहा ना, इस कोठी के सामने कोठी भारी भी हो सी। जरूरत मैनू उस जज्बे ने दी है पिंकी, जेड़ा मेरी जान का हिस्सा बन चुका है। मैनू हुण तेरे बगैर नींदर नहीं आती पिंकी, साढ़े जगराते मुका दे या मैनू हमेशा लई सुहा दे या मैनू अपना लै या कह दे इमरान मर जा, तेरी सौं मर जांगा। जे तेरे प्यार दी इंतहा है ते फिर है मेरे प्यार दी इब्तिदा है। Thank you.
बावन दे केरे तोड़ेंगी ते मैं मर जावांगा पिंकी। मेरे जज्बे बेलगाम हो गए ने। हुण मैं तेरे एक एक मकाम ते मैं बेकसूर हां, मैं बेगुनाह हां, मैं आशिक हां। ले चलो इस पागल नु। हेलो डिप्टी साहब। मैडम, ए उल्लू दा पट्ठा रोशनदान ते चढ़ के तुहाडे बेडरूम दे अंदर जाग रहा सी। इस लई के मेरी अखां च अखां नहीं पा सकता। इहनू डांस सिखाण लई लुक के वेखण दी इजाजत मैं आप दित्ती है। ठीक है, I'm sorry। कोई गल नहीं, अंदर आ जा इमरान। ख्वाब देखना कोई जुर्म तो नहीं इमरान, पर अपने आप को डिस्टर्ब करने वाला ख्वाब ना ही वेख्या जाए तो बेहतर है। मैं तो सिर्फ इतना जानना वा मैडम कि जे तुसी मैनू ना मिले तो मैं मर जावांगा। अपनी ते मेरी उम्र ता फरक पहचानने। मर्तबा ते मकाम वेखदा ते हिंदुस्तान दा मालिक एक कनीज दे कदमा विच अपने सिर दा ताज कदी न रखदा। तू मेरे कदमा च की रख सकने? हुक्म करो, अपना सिर ला के तेरे कदमा विच रख देना वा। मैं पट दा मास मंगन वाली सोनी नहीं, मैं मॉडल जमाने दी मॉडल मशहूर आ। मैंने कोठी चाहिए, 500 मर्सिडीज चाहिए। ओ, पर मेरा पाई थे। गोली मार दी उन्हें। ओ शू। ते समझ ले, ए होई तेरे प्यार दा पहला इम्तिहान है। पिंकी। जेड़ा आपने प्रादी इन्हीं पूजा करता होवे, ओ मेरे नाल प्यार किस तरह कर सकता है? हाँ, पूजा करना वा। खुदा ते उदे रसूल दे बाद सिर्फ अपने प्राणू प्यार करना वा, पर उस तो बाद सिर्फ तेनू। ते शायद तेनू पता नहीं, जे मैं तेनू अपने भरा को मंग लिता ते ओ तेनू सिर ते पा भी ले जाएगा। जे तेनू अपने भरा ते इना मान है ते फिर जा उन्हें कह मेरा रिश्ता लैन मेरे कोल आवे। मैं कल ही मुकाबला जीत के सीधा पिंड जावांगा ते अपने भरा नू लेके आवांगा। तेरी बेहतरी ऐसे चे कि तेन तेरा प्राण ना मिले, मिल पवे ते तेरी सित ना मन्ने। ओए ओए ओ भाई, कौन है तू ते किधर मुंह चुक के टुरया जान दिया है? ओ मैं लखना बाबा, इमरान दा वड्डा भरा।
ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਸਰਾ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚਲਿਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਛੇੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਲੜਾਈ ਹਾਂ ਆ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਮਰਾਨ सामने मुंह काला करके प्रणम सैन में अगों दी लगाया जाएगा चलो मुछा नहीं पेर तू ही थले चल 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 चलो चमचो अज तो बाद पैरा ते किस तरह चली जाए हमेशा ले पुल जाएगा देखी जाएगी माड़ी गल समझ मैडम घर नहीं जे मैडम घरों चली गई है ते मेरे लखन नूं थाने कौन छुड़वाएगा तू कॉलेज के 14 मुंडिया नूं हस्पताल विच पहुंचा दिता है शुक्र करके रात दा वेला है हुण सवेर हुंदे शहर च किस तरह की आग लगनी है तू सोच भी नहीं सकता
नए डिप्टी साहब ऐसे पुराने अंदर वालों माफी मंग ली है ते काले दे मुंडिया ने नु माफ करके परचा वापस ले लिता है सुलहनामा ते सुलहनामे ते अदालत दी सरकारी मोर वेख के इन आजाद कर दो डिप्टी साहब किसी ने मेरे भरा की बेइज्जती ते नहीं की थी? नहीं नहीं किथे वे तेनू उंदे कोल लै चलांगा ठीक है थैंक यू तेरी वो मौस ने जिन्हें तेनू कॉलेज के मुंडे तो माफी दवाई सी ते हुन इमरान कोल पहचान आई है बड़ी बड़ी मेहरबानी मैम साहब बैठो जी तुसी मेरे नाल बैठना पसंद नहीं करोगे बह जा क्यों डरना है आओ काले लखन साहब तुसी एडे घबराए हो क्यों मेरा इत्थे बैठना तानू पसंद नहीं आया नहीं जी नहीं ऐसी तो कोई गल नहीं मैं अपना ते फिर तुसी परा परा क्यों हो रहे हो मेरे कोल तानू वो आंदी है नहीं जी तुहाडे कोल बहुत नहीं आंदी तुहाडे कोल ते बड़ी चंगी जी खुशबू आंदी है ते फिर मेरे नाल होके बैठो ना ना मेरी सूरत ना सीरत ना मत्था ते जिन भरो लथा और सूरत नहीं सीरत देखती लखना ते सच पूछे मैनू ना बगैरता तो बचन लई एक मजबूत मर्द की जरूरत है ते फिर ते फिर समझ ले लखना मेरी जन्नत तेरिया बावां च है सच आहो सच Thank you.
पुछी जा किसे दन सानु डर दूध रंगा हाथ फड़ किसे दन सानु डर दूध रंगा हाथ फड़ जिन्नी तेर दिल चौंदा हाय जिन्नी तेर दिल चौंदा झुल पानु चुम तुम तना ना 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 तुम तना ना ना तुम तना ना 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 तुम तना ना ना खजूर ना लालम के यार मैं कदम के चक्कर च रह गया लखना मेरा तेनू मशवरा है अपने भरा नू लैके पिंड वापस तुर जा ओ यार पर उहदे इम्तिहान ते किन्ना बाकी रह गया उहदे इम्तिहान दा नहीं उहदे अंजाम दा सोच जे उह इत्थे रहा ते मर जाएगा नहीं यो मर गया ते कोई जिंदा नहीं रहेगा ए मैं साबत कर चुका वा ऐसे लिए कह रहा वा तूनू लेके वापस टुट जा मैं नहीं जाना नहीं जाना ओए मैनू साहब ने किया जो तू इत्थे रहया ते तन्नू मार देंगे ओ लाला जरा सोच इत्थे मेरे इम्तिहान ने जे मैं पिंड चला गया ते 16 सालां दा सफर मंजिल ते पहुंचे बगैर ही मुका दियां ओए मैनू तेरी सनद नहीं चाहिदी मैनू तेरे साथ चाहिदे ने चला चलिए ओ लाला मैं नहीं जाना नहीं जांदा जा ओए तू समझदा क्यों नहीं जे तू शहर च रहया ते तू मर जाएगा जेड़े पिंडां च रहंदे ने ओ भी ते मर जांदे ने लाला समझ ले इमरान मेरी जिद है ठीक है पर याद रखी लाला किसे तो दूर रह के मैं नहीं जी सकता ओए कौन है वो बोल चाहे तेनू मेरे को भी ज्यादा प्यार है ओए बोलता क्यों नहीं लाला ओ ताड़ी होण वाली नूह है लाला ओए पागल दिया पुत्रा तो पिंड ते चल जे उथे तेरा रिश्ता ना हो सकिया तो मैं उन्हें चुक के ला जाऊंगा है सच ओहो आ फिर चलिए आ ओहो यार ओ भाई उन गुस्सा छाड़ दे मैं उहदा कोई अता पता दस तो मैं सवेरे जाके तेरी मंगनी करके आवां ते नाले दस दियो है कि हो जी मेरी अलमारी च ओदियां 2-300 तस्वीरां पईयां ने जड़ी मर्जी चुक के वेख लो अच्छा
मैं भी ते वेखा की शहर है जिन्हें मेरे मुन्ने नू लाला लखन बुला दिता है। ऐदी रात वेले कौन आ गया? नहीं नहीं तू बैठ मैं वेख के आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरे खान जी राधे अड्डे ने किस तरह आए हो? प्राओ जी इमरान ने नानी चिट्ठी है मारे कोल। खान बाबा वो सदके जावन ने पापे तू सले काल नाम ने लमने शाम पे अच्छी खात पार छोड़। एक मिनट ले तेरे 100 रुपए। सदके जावा ही ना इमरान ने किदा खाते ए ताड़ी होन वाली नू दलाल जी। मैनू अपने प्यार दी इंतहा विखाइए ते मेरे प्यार दी इब्तिदा नहीं वेखी। हाथ पड़ दिया छेती वापस आ जा जे सुबह दा सूरज तैनू पिंड चढ़िया ते मेरी जिंदगी दा सूरज डूब जाएगा तेरी पेकी। ओ की गल तू ने परेशान क्यों हो गए? लाला मेरा इस वेले शहर जाना बहुत जरूरी हो गया। ओ क्यों? लाला जे मैं ना पहुंचा ते ओ मर जाएगी, जे ओ मर गई ते मैं मर जावांगा। जे मैनू जिंदा वेखना चाहना है लाला ते मेरे पीछे ना करी। है ओ ओ गल तो सुन। ओ इमरान ओ रुक जा। इमरान इमरान रुक जा। लाला हुन मैं तेरी भाभी नु लेके आवांगा। हां ओ रुक जा इमरान। ओ इश्क चन्ना आके रात दे नेल किथे टुर पे। अपना ख्याल रखना लाला। खुदा हाफिज। रब रखा। रुक जा रुक जा रुक जा यार। आज पता लगा कि पैसा औरत शराब पराकुर पुरानू पक कर देते ने। मैं खाते सही और केड़ी डैने जिने मेरे पुरानू मेरे को वक कर देता है। चाहिए इमरान इधर बोलना चाहिए। बड़ी मक्कार है बड़ी तो के पास है बड़ी फुरे बने। इमरान ने पिंकी का पता देखो दस्या है पर इतने चौकीदार क्यों नहीं? इमरान ते तेरे नाल गया सी लाला। पर वो ते शाम नू वापस आ गया सी। किदे नाल? जिदे नाल वापस आया सी ओदे ते मैं लाश वेख के आया मां। पर जिदे लिए आया सी ओ गायब है। वो कौन सी? ऐ वे ओ डैण
जान इहदे नाल प्यार करदा सी लाला ते हो सकदा है दोवे कितने सैर ते गए होन। नहीं नहीं यकीनन मेरा इमरान किसी मुसीबत च रब दा वास्ता जे मैनूं छेती दसो ओ मेरा इमरान किथे मिलेगा। लाला जी हो सकदा है ओ कॉलेज च होवे आओ पता करने आ। ओ तुसीं कितने मेरा इमरान वेख्या? नहीं। ओए काका किधर मेरा इमरान वेख्या जी? क्यों पुत्र किधर मेरा इमरान वेख्या? नहीं उन्होंने लभन की एक ही सुरत है लाला कि थाने रिपोर्ट लिखा दे। पुलिस च भर्ती होने का सिर्फ एक ही फायदा है। पर तेरे कोठी खाने चू जो कुछ होंदा है ओदा तेनू हिस्सा मिलता है। लेकिन तू नहीं मिलती। सर तुहाडे च कोई कमी होएगी। शट अप। ते मैं तेनू चाहना वा कराए दी है साइकिल तेरी वारी ते तेनू भी मिल जाएगी। आ, पर किराया जमा करवा दे। तू मुंह फाटे पर खुशकिस्मत है शहर दे रईस आजम दी महफिल च सब तू उच्ची कुर्सी हमेशा तेरे लिए होती है। उस माली दे बाग च साडे जे होर भी ते कई खूबसूरत फूल ने मसलन पिंकी। असी ते सिर्फ तेरे मुंतजर हां। ओके साहब जी मेरा भरा गुम हो गया। तू की आके साडा मजा करिकरा करन लग पे भाई? ये अदारा खिदमत खलक दा काम है उथे जा। और साहब जी मेरा भरा गुम हो गया। ओ इसे गेट आउट। ओ शहर आलियो ओ तुसी मेरे कोलो मेरा भरा खोल लिता मैं तोडे मिलता देंगा। इना उच्चे कंधा पिछे रहन आलियो ओए मैनू मेरा भरा मोड़ दियो मैं इतने कभी मुड़के नहीं आवांगा। तेरा भरा किन्ने खोया है? जे कौन वाले का पता होता तो मैं उसका सारा टब्बर अपने पिंड ला जाता। बस इना पता लगे कि शहर च आया तो जैन पिछे आया है। यदा आसान तरीका है वे यह तस्वीर अखबार में छपवाओ। मैं क्या थोड़े चो इन्हों को जानता और थोड़े चो कोई इन्हों जानता तुम्हें पता हो भाई जवाना मैं तेन तेरा भरा बुलावा। तेन पता है कितने वे? हाँ हाँ मैं उन्होंने एक जगह बैठे वेख के आया। आ मेरे नाल। अल्लाह तेरा भला करे तू छेती ना ले चल। अरे शाबाश बह जा। तेनू तेरा भरा नजर आ जाता है।
देगा। उठते मैं भी यकीन है कि तू चाहने के मेरा भी कितने रास्ता है। इमरान कितने है कह दे रईसे आजम दे कब्जे से आज रात अपनी कोठी के लांच सालगिरह जश्न मना रहे हैं। असी शहनशाह नहीं पर अवाम का हजूम ते वड़े लोग मिलके जदों साड़ी जिंदगी लई दुआ मंगते ने ते इंज लगता है जिवें इस शहर के शहनशाह असी। सेठ शौकत वजारत की कुर्सी ते बह के इंज लगता है जिवें असी तुहाडे कोल छोटे हाँ क्योंकि असी दफ्तरां च रहने हाँ ते तुसी अवाम दे दिलां च बसते हो। असी दिलां ते पैर रख के चलने हाँ। ए माजीए असी मुस्तकबिल हाँ। माजी नू मत दोहराओ ते मुस्तकबिल नू इंजॉय करो। बेबस होके दिल पे ठुमके लावे नचे कुड़ी मजा जन
सजन मन ने तेनू ढोलन माही हुसन ते शिकन जप्पी पाई मन ने तेनू ढोलन माही हुसन ते शिकन जप्पी पाई तलका मारे बदन रेशमी बल ते बल पिया खावे नचे कुड़ी मजाजन नचे कुड़ी मजाजन धूड़ा पटती जावे हो नचे कुड़ी मजाजन पागल कौन है डैडी एहो ये जिन्हें मैनू मारिया सी मेरा असल तारफ है नहीं आए कि मैं तनू मारिया सी मेरा असल तारफ है कि मैं तुझी नस्ल दा बच्चा बच्चा मार के जावांगा शट अप तो किस गल दा है डिप्टी जिस महफिल च मेरी मां ते प्यो दा कतल दिए सपनी भी पर हाली तक मैनू मेरा इमरान नजर नहीं आ रहा जिन्हू लभद्या लभद्या इस कुत्ते दे मथे लगावा जिंदगी चाहने ते इस महफिल दे सामने और इस महफिल चो मेहमान जिंदा रहेगा जरा मेरे इमरान नू वापस लेके आवेगा और फल लानू जाके गोली मार के फाइल लिखते इन्हें नसन तू बाद पुलिस मुकाबला कीता ठीक है जनाब एनू सेठ साहब ने माफ करता डीएसपी साहब नहीं मतलब सिर्फ माफ ही नहीं एनू एदे भरा नाल मिलाण दा वादा भी कीता उन्होंने किया कि कल सुबह 10 बजे नू लैके इत्थे पहुंचना ते नाले दा भरा दे हवाले करके एदा मुंह पिंड वल कर देना बिल्कुल ठीक उन्हां नूं कह देना कि मैं कल ठीक 10 बजे उत्थे पहुंच जावांगा सेठ का पहला शिकार जिन्हें तेनू काबू करने तो बाद आजादी देने का फैसला किया
तू किस्मत का वाकई बड़ा धनी। जिस तरह ना होया तो फिर तू सोच भी नहीं सकना डिप्टी कि होया की। मैं इस वेले तैनू दसना नहीं चाहता। चल अगे लग। सजा तो तेरी मौत सी लखन, पर साड़ी आला अदालत जज ने तेरे नाल होने वाले जुल्मां नूं वेखण तो बाद सानू जुल्म की इंतहा करन की इजाजत नहीं दिती। मेरा भरा कित्थे वे? किसी गल का एतबार ना करी। इन्हों ने कभी सच नहीं बोलिया भाईजान, कभी सच नहीं बोलिया। इमरान हाय हाय हाय, दो भरावां दे विचकार एडा प्यार, मैनू रब की कसम मैं अपनी जिंदगी च पहली बार वेखिया। क्यों जज साहब? ऐसे लेते अदी सजा बदल दीती है। कोई झूठ नहीं बोलांगे, जो कि पूरा करांगे। तेनू भरा नाल मिलान का वादा सी, पूरा कर दिता। और डिप्टी से कहना सी कि तू मेरे भरा नूं छड्ड देगा, ऐसे अपने पिंड टुर जाएंगे। तू मेरे भरा नूं छड्ड दे, मैं तेनू अपने मां प्यो दे कतल नूं माफ कर देंगा। हाँ ठीक है ठीक है, पर असी तेनू पिंड पहुंचा लई ये ठेला किराया दे लिता है। जज साहब अपने फैसले के मुताबिक लखन नूं ठेले ते बन दिओ, ताकि खुशी दे मारे किधरे राज डिग ना पवे। नहीं नहीं, असी पैदल टुर जाएंगे। मेरी अदालत दे मुलजिम पैदल पिंड टुर जान, ऐ मेरी अदालत दी तौहीन है। ला चलो इन्हां नूं। नहीं नहीं, असी पैदल टुर जाएंगे, पैदल टुर जाएंगे। और जाते हो जाते सानू भाईजान, 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 मैनू भी ले चलो, मैनू भी ले चलो, मैनू मार देंगे भाईजान। लगता है सेठ तू कोई नवी अग बालन लगा है। बेचारा आए ओए दे प्राण भी ठेले दे पीछे बंद हो। जिस फुल नु तू अपना लहू दे के पालिया लखन, उन्हों अपनिया अखा दे सामने पत्ती पत्ती होके बिकलता वे, ए तेरी सजा दी इंतहा नहीं इब्तिदा है। इब्तिदा ले चलो इनू। नहीं सेठ, ओए अपने आर्डर वापस ले ले, अपने आर्डर वापस ले ले। Thank you.
चेयरमैन लखन तेन सिर्फ जिंदा इसलिए छट चलिया वहां तू इस मुल्क के गैरतमंदा का एक एक बुआ खड़का के दस सके इस मुल्क ड्रग माफिया का राज है सिर चुका के चलो अखा बंद करके चलो इस जमीन ने आज तक के हो जा सलम नहीं देखा सेठ आसमान भी आज तक हिसाब नहीं देखेगा तेरे भरा के कतल के जुर्म गिरफ्तार करना कागज से अपने हथी लिखते लखन के तू अपने भरा नू कतल किया तेरे चप्पे समीरा इस धरती से पहली बार जमया बेगानता मैं तेरे कंधे खून नाल एहोजी तहरीर लिख देवांगा कि इस वतन की तकदीर बदले ना बदले तारीख जरूर बदल जाएगी छेड़ो बड़ी ताकत है तेरी बाँच बड़ी गर्मी है तेरे वजूद पर अज गर्मी मैं ठंडी कर देंगा ले जाओ मन जा लखन कतल तू कीता बोल कतल तू कीता उठाए मन आए कतल तू कीता वकील साहब अदालत मुल्ज़िम लखन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा सुनने से पहले यह जानना चाहती है कि इसकी टांगे और बाजू तोड़ने वाला कौन है सर यह जानने के लिए इस कत्ल की कहानी को शुरू से पढ़ना होगा इस फाइल में डिप्टी मोहम्मद खान की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक लखन की जमानत मिस पिंकी ने करवाई इसलिए कि मिस पिंकी लखन के छोटे भाई से प्यार करती थी पिंकी से थाने से बाहर लाई तो मकतूल के दोस्तों ने मकतूल के कत्ल का बदला लेने की खातर थाने के दरवाजे पर मुलजम पर हाकी और डंडों से हमला किया उसके बाद उसके बाजू और टांगे तोड़ दी योर ऑनर अगर मैं इन वक्त पर ना पहुंचता तो वो इसके टुकड़े टुकड़े कर जाते अदालत इस बात पर हैरान है कि एक सगे भाई ने अपने इकलौते भाई का खून क्यों किया योर ऑनर वजह कत्ल इंटरनेशनल है यानी औरत वो औरत जिसकी खातिर इस जमीन पर सबसे पहले एक इंसान का खून हुआ था और वो खून भी भाई ने भाई का किया था अदालत इस गनोने जुर्म का सबूत चाहती है मैं इस मुकदमे की सबसे अहम सबसे मुस्तनद
और अकलौती गवाह मिस पिंकी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस पिंकी, वादा कीजिए आप जो कुछ कहेंगी सच सच कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या ये दुरुस्त है कि मुल्ज़िम लखन आपसे प्यार करता था? जी। क्या ये सच नहीं कि इससे पहले मुल्ज़िम का छोटा भाई इमरान आपसे इश्क करता था? जी। और क्या ये सच नहीं आप लखन से नहीं बल्कि इसके छोटे भाई से प्यार करती थी? मिस पिंकी जवाब दीजिए, क्या ये सच नहीं कि आप लखन से नहीं बल्कि उसके छोटे भाई से प्यार करती थी? जी। और क्या ये सच नहीं कि लखन अचानक आपके बेडरूम में आया तो आप उसके छोटे भाई के साथ बोसो किनारे में मसरूफ थी? और लखन ये देखकर मुश्किल हुआ, उसने आपको कत्ल की धमकी दी और जब छोटा भाई सामने आया तो उस पर हमलावर हुआ, उसे मार मार कर अदमुआ किया, उसे शाने पे डाला और ले गया। आप उसके पीछे पीछे भागी मगर ये सफाक उसे लेकर रेल की पटरी पर पहुंचा, उसे ठेले के पीछे बांधा और तुम्हारी आंखों के सामने घसीट घसीट कर बोटी बोटी कर दिया। झूठ फरेब से धोखे दिए मुर्दे, इन्हें याद रखी, एक अदालत मैं भी लानी है, फिर देखूंगा क्या वकील मेरे सामने बोलता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत मुल्जिम लखन को उसके छोटे भाई इमरान के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। ऑर्डर। अदालत सख्त हैरान है कि पिंकिनू सेठ शौकत का पुत्र अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, होर इनू घुगू चाहिए है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, साडे हाई कमान दे आइन दे मुताबिक जेड़ा भी साडा राजदान बनता है वो आजाद होके सिर्फ अगले जहान ही जा सकता है। ए ते तुहाडे नाल रह के पता लगा है कि आजकल दे दौर च जिंदा रहन दा सिर्फ इक्को ही तरीका है, हर एक नाल धोखा, हर एक नल सुल ते हर एक नल स्याती। ए होई ते साडा मंजूर है बीबी। ए सिर्फ तुहाडा ही नहीं मेरा भी मंजूर है सेठ। क्योंकि आज का तौर मूसा ले नहीं फिरौन ले है। फिरौन तेरे सामने यानी मैं। ऐसे लिए ते फैसला कीता है, मैं ते मेरा भरा हुण कानून दा नहीं कानून शिकना दा साथ दवांगे, जिनी छेती हो सके मेरे प्राण जेलो बाहर बुलवा लै सेठ ते ओनू अपना बासू बना लै ते उस तो बाद तेरे पुत्र दे नाल लग जावांगी। ते फिर तेरा भरा अज ही जेलों बाहर आ जाएगा। बारूद ठंडा करके भेजे, बाकी ठंडा करन दे
सानू आर्डर भेज दिते ने। तुहाडियां मसशुदा लाशां वेख के अनु यकीन आ जाएगा कि उहदे वल बदल रहे तूफान दी रफ्तार की है। आखिर प्राण मरवा के रहा ना, जे तेन मरण का इना यकीन सी तो फिर तेन भी पता होगा कि मेरे ते इमरान नाल सब कुछ क्यों होया। तेरे इमरान दा पिंकी नाल प्यार करना वो हादसा है। हादसा सी ते फिर मैं उस हादसे दा उचिया पता लवांगा कि मुड़ के कोई बदकार और किसी नाल धोखा नहीं करेगी। वो बदकार नहीं, बेकसूर है। उनु बेकसूर कह रहे जिन्हें मेरा परवाह मरवा दिता है, जिन्हें बड़ी अदालत अपने समीर से समान का सौदा करके मैंने सोनी चार देता है। बेकसूरे 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 वैसे कि मेरी सक्की भैन है। जे कले ते फेरा जे थों तेरी लाश चलगी किसे नीच नसल दे नीच इंसान अच में तेरे टोटे करके तोड़ूंगा। अन्ने नु सीधा रस्ता नजर आवे ते ओ कदी ठेडा ना खावे लखना। जे तू डिप्टी आजम दा पुत्र है ते एक पासे हो जा। ओ इसलिए कि मेरा खानदान हाले तक तेरे प्यो दा कर्जा ला रहा है। तेनू याद होवे ना होवे तेरे प्यो ने कदी शौकत दी शाह रग ते हाथ रख्या सी। ओदे बदले च मेरे सारे खानदान नू बुलडोजर तले कुचल दिता गया सी। एदे बदले च कानून ने ओदी कोई इमदाद नहीं सी कीती। झूठे लखन झूठे। तेरे प्यो दी रिपोर्ट ते पहला पर्चा मेरे प्यो ने दर्ज कीता सी ते ओ भी कतल हो गया।
ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਚ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਭੈਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰ ਅਸਵੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂੰਗਾ ਦੀ ਖੱਖਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ ਚ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਡੂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਡਿਪਟੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਚ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਡਿਪਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਟੁੱਕ ਟੁਕਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਆਓ ਡਿਪਟੀ ਖਾਨ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਰ, ਇਸ ਨਾਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਚੌਲ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਗਾ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਓਏ ਤੂੰ ਚਾਵਲ ਖਾ ਬਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਬਾਈ? ਹਾਲਾ ਤੇ ਤਰੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਜੋ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਲੀ ਹੱਡੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਮਿੱਖ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਚੱਲੇ ਸੋ? ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖਾਪਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਜਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੇਜਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇਜਕਿਆ? ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦੇਜਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਆਪੇ ਲਮਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਚੌਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਸਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਛਪ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ,
जरूर छपेगी सर। ओके आज जी प्रेस नू है खबर, मैं आप दे आता। सर सर गजब हो गया है। की हुआ है? लखन दे चारे साथी गायब ने, नस गए ने। मिस्टर खान, तेरा बुरे रस्ते ते पै जाना सानू पसंद आया मिस्टर खान, पर किधरे साढ़े लिए कोई नवा जाल ते नहीं। जिस तलवार दा तकदीर को तोड़ नहीं ओदे नाल खाली हाथ इप्टी खान की में टक्कर ले सकता। सानू पता ही बड़ी देर बाद लगा सेठ के कानून काले कारोबार दे मालका तो कानून कितनी दूर होता है। गुड, एक आर तेरे लिए मेरे सब तो वड़े अड्डे दाखिल होने का परमिट है। उस अड्डे गैर मुल्की एजेंट आते ने, उन्होंने अदावा वखा वखा के उन्होंने कोलो मुंह मंगी रकम तू ले लेवी ते माल तेरा भरा ले आएगा। ए मेरे तक पहुंचने लई सब तो पहली पौड़ी है। जंप मार के उस पौड़ी ते चढ़ जावांगा सेठ। गुड, एदिया अखा ते पट्टी बन के एनू अड्डे ते पुछा दियो। तुसी की कीता है? मेरा शिकार आजाद कर दिता है। बेवकूफ, जिन्हें मैनू कतल करन लई जेल तोड़ दिती है उनू कतल करन लई अड्डे दा कब्जा देना जरूरी हो गया सी। इंतजार कर, जशन च किदा किदा जनाजा उठेगा ए सिर्फ तेरा प्यू जानता है। Thank you.
मेरे इमरान नूं ते वापस नहीं लिया सकते, पर मेरी अखां च तेरा सिर जरूर उच्चा कर सकते। उस सिर नूं चुकन दा की फायदा, जिन्हें कुछ देर बाद पैदलों वर्थ हो जाने। असी तेरी चाल समझ गए सब पिंकी, पर तू साढ़े जाल दे तागे नहीं गिर सकेंगी। मेरे यार दी लाश वेख के समझ आए मौत तेरे सिर ते पगला पान लगी जाए। Thank you.
समझ नहीं आउंदी बंदे तुसी मारे ने साह मैनू चढ़ गया पता नहीं हुण मैनू हर काम तो बाद साह क्यों चढ़ जांदा है ओए हाली ते बिस्मिल्लाह कीती है चल सा चल ते उदो होवेगी जदों शौकत सामने ओ जेरे जमीन जा चुके हैं तू ठीक है तुम्हें मैं थाने समेत साड़ देंगा नहीं लखना सानू पुलिस ना खतरा मोल लैन की कोई लोड़ नहीं सानू उन्हां दे साथियों तक पहुंचना चाहिए जेड़े उहदे सज्जी बाह ने तैनू उन्हां दे ठिकाने का पता है नहीं एक मिनट लो जी तुहानू उन्हां तक पहुंचाउणा मेरा काम अग्गों फिर तुहाडा काम घबराओ नहीं सानू शराब वो भेजते ने जेड़े एहो जे मौके ते छापे मारते ने सर बाहर एक अरबी तुहानू मिलन आया पहली बार आया नहीं सर सर ओदे कोल कार्ड उस मैडम दा जिदे अक्सर माशूक तुहाडे कोल आउंदे ने जा भेज दे ओनू السلام علیکم یا حبیبی او بی بی یا او بی بی انتا ہمشیران میرا مطلب ہے تو اڈیاں پیڑا نے یا پتوں کی دیاں ڈینا نے اوئے ساڈے مشوق نے لا حول ولا یا شیخ पसंद कर ए ही मशूकैया क्या आंख है चोचोइया क्या नक है नक वग वगैया तस्वीर तक तकैया ओए अय्या अय्या ओ तू पहले कित था या शेख मैनू ना चुम चुमैया मैं ए हो जिया नहीं आ तस्वीर पसंद करैया सारे मशूक मर मरैया पता क्यों उथे बंब चलैया एक कोई मशूक बच बचैया सुचल सुचलैया ओ जा छेती जा लियाना दी गल कर ओ जा या शेख मशूक कल्ला ना आईया हालात बड़े खराब आईया नाल चार मुहाफजैया ओ तू पंज लाया ओ जा दे सही अच्छा हुन मैं मुहाफजा नु लैया तुहानू दस दे एक गल हुणे तुहाडी डुब जाएगी नैया जा तशरीफ हैया तशरीफ हैया ए जेड़ा पहला शख्स हैया ए मेरा वड्डा भैया एनू अपना हक सारे कोलों खिच खचैया ओ जेड़ा परला उहनू बचपन दी हराम दी आदत खवैया खवैया ए जेड़ा मेरा भैया ए गाक घेर करैया करके थैया थैया हुण वारी ए मशूकैया 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 अंदर आके सब दा सूत सुतैया मशूकैया हाय मशूकैया हाय मशूकैया मशूकैया इन्हां सारिआं नूं अपने मूंह कह दे भैया ते जेदा जो हाथ हुंदा सो लैया करके थैया थैया वाह 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 कुछ के कीमत है जो कुछ लेना जे ले जाओ ते लेंदे ही जाओ एक कुड़ी हमेशा सद को रवे पहले है मशूक देखते लोगो मशूक वेख के तुहानू हो गया सकता सकतैया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਣਵਈਆ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਣ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਲਓ ਜੀ ਐ ਲਓ ਬੰਦੂਕਈਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਮੁਕਈਆ ਮਸ਼ੂਕਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਭਜਈਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ
तुहानू कोई नहीं इत्थे कुछ कह सकदा मेरे मां सवैया राह बीबी हैया हैया ये मेरी बहन तू मेरा भैया एदा मतलब है कि तू मेरे इत्थों गई आ आओ चलिए मैं जानना वा कि डिप्टी आजम कित्थे वे ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਖਣਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸ ਉਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੈਸ ਸਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਇਲੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਸਰ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ कानून दा राजी ए कानून ना तेरे प्यो दा ते ना कुर्सी अच्छा इत्तेफाक कर दे जिदे ते मुंशियात फरोश डाकू दे जर्नलिस्ट सजा दर्जे ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੂਹ ਰੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ ਦੱਸ ਸ਼ਕਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਲੇਂਗਾ ਸ਼ਕਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਲੇਂਗਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਲੋ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲਖਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਯਾਰ ਲਖਨ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਏ ਮੁਕਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਓਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਮ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੇਗੈਰ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਤਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਰ ਬੇਗੈਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤਾ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਬੁਰਜ ਵੀ ਉਲਟ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਲੱਖਣ ਸੇਠ ਸ਼ੌਕਤ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੱਭੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆ ਪੱਠਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਖਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੱਡਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਖਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਕਤੀ ਰਗ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਅੱਡਾ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ
उबाले भी नहीं देने चाहिए कि वो पाप बन के उठ जाए। शराब एकदम अंदर नहीं सुटनी थी डार्लिंग, पर जिस लकड़ मुसलसल बालिया जाए वो सुबह हो जाती है। पहले अलमारी चो बोतल कड़ के लिया ताकि दो कुट कौड़ा पानी पी के मैं भी बलना शुरू हो जाऊं। तू बिल्कुल ठीक है, तेनू साडे सामने दो आदशा बन के रहना चाहिए, ठीक है ना? जालम दी रस्सी किन्नी भी लंबी क्यों ना होवे, एक दिन ओदा सिरा मजलूम दे हाथ थर के रहंदा। ओए जिथे मेरे दोस्त नहीं आ सकते ओथे मेरा दुश्मन की ना हो गया है। ए मेरा प्यार है ते मैं कॉल गल नहीं,
मैं तेरा यौम हिसाब आ जिदे लई तू हर मजलूम दी राज खूह कढ़िया कानून बदले जमीर वेचिया अज किथे हो साड़े विचकार कोई कंध नहीं हुण ते सीने नाल ला लै अजीम किथे ने बॉस उन्हें तो डिप्टी खान ने आके कत्ल कर दिता है हैरत है कार तेरा बुए ते बंदे तेरे बेडरूम भी तेरा फिर भी डिप्टी खान पहुंच गया है मैं ते आप हैरान हूं बॉस ये अनहोनी किस तरह हो गई है ना 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 ना, ना। परेशान ना हो मैं जो मैं तेनु दसना कि कमीनगी की दी है ओए जिथे मेरे दोस्त नहीं आ सकते उथे मेरा दुश्मन किने आ गया है चल फिर असी कितनी भी लंबी क्यों ना होवे एक दिन ओदा सिरा जिदे लई तू हर मजलूम दी राज खूह कढ़िया कानून बदले जमीर बेचिया अज किथे हो मेरा ख्याल है हुण तेनु समझ आ गई होनी है कि ए अनहोनी किस तरह होई है ते किने कीती है ते फिर हुण तुम ही समझ जा जे मैं एक लाश ते पैर रख के आई हां ते फिर 101 लाशां ते पैर रख के जावांगी शौकत दे होंदिया एक कमजोर औरत दा दावा गोली मार दे इनू बड़े बेबस घर च पुचाल लिया ने तू पर अब जेड़ा पुचाल तेरे कदमा विच आवेगा ओदी तमक तेनू अगले जहान तक झंझोड़ती रहेगी चुपके गंदे नारे सुटते
सच अपने कल्ले ब्राते परचाई दी लाश में खंतो पर एक कोई लाने शकत के हूने शेच शकत ना दा कोई भी शैतान सिंदा नहीं थवेगा नहीं थवेगा तेरा मुद्दई मेरा पुत्र है जिदे एक इशारे ते मैं तेरे वर्गियां लखा औरता कुर्बान कर सकना कमाल तल्ला किस्म दा प्यो है तू साड़ी अदालत हर मुजरिम नू सादी तारीफ करन दी खुली इजाजत है गुस्सा एदे ते मैनू भी बड़ा है पर एदी हर गल इसलिए बर्दाश्त करदा रहा कि तेरी कमजोरी है ते तेनू खुश रखना साड़ी कमजोरी है लेकिन साड़ी इस ख्वाहिश का फैसला साड़ा जज करेगा उस तो बाद एदे दिल चो ही नहीं हर कारी चो धुआ ही धुआं उठेगा मैं इस मुल्क जमीन तू लैके आसमान तक धुआं ही धुआं कर देंगा आओ जज साहब ते अपना फैसला सुना दो अदालत के जज नू फांसी ते किड़ी टंगी है आज फैसले दा तेने चौकत आज अदालत भी मैं आज इंसाफ भी मैं आज इंतकाम भी मैं जे तेरे जुल्म कमाल सर तेरे जुल्म दा इंसाफ भी कमाल होगा Thank you.
ते बारूद की बारिश हो गई है, तुसी असला कदों चलाओगे? ऐसे टोटे टोटे कर दियो। बोटी बोटी कठिया कीती सी शौकत, उसे तरह तू करेगा। आज तेरी लाश दा तुआ मेरी कौम दे बच्चे बच्चे नु दसेगा। जुन दे मुंह चो इवन दा तुआ नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। Thank you.